प्रोफेसर मनु मिश्रा, प्रिंसिपल टिमिट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। आज हमारे कॉलेज में इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल IIC की तरफ से एक ओरिएंटेशन सेशन रखा गया है, जिसमें डॉक्टर गीतांशु दवर जो प्रोफेसर हैं डेंटल कॉलेज की और साथ ही कन्वेनर हैं IIC TMU की, उनके द्वारा एक ओरिएंटेशन सेशन लिया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे छात्र छात्राओं के लिए और उनके भविष्य के लिए आने वाले समय में बहुत ही लाभप्रद होगा। साथ ही नए स्टार्टअप्स और नए बिजनेसेस को लीड करने में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको डिटेल में इस ओरिएंटेशन सेशन में बच्चों के साथ बताया जा रहा है। डिजिटल बीपी की मशीन बन गई, राइट? अब हम घर बैठे बिठाए बीपी लिंक कर ले सकते हैं, राइट? तो व्हाट इज दैट? दैट इज इनोवेशन। कोई भी या तो कोई ऐसी चीज डेवलप करना जिससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, या कोई चीज जो ऑलरेडी है उसको मॉडिफाई करना, इस सबको हम इनोवेशन बोलते हैं। इंस्टीट्यूट एजुकेशन का एक सेल है जिसको बोलते हैं इनोवेशन सेल, ठीक है? और स्कूल के बच्चे हैं, राइट? क्या होता है, हम अपनी ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं हम जॉब करेंगे, राइट? बट अगर 100 लोग निकल रहे हैं एक बैच में पास होकर, तो 100 के 100 लोगों को जॉब मिलेगी? पॉसिबिलिटी नहीं होती, राइट? ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, बट उतनी एम्प्लॉयमेंट भी जो होनी चाहिए जॉब मिलने के लिए, राइट? तो ये इनोवेशन सेल क्या करता है, आपको इनकरेज करता है कि आप कुछ करें, आप जॉब गिवर बने, ना कि जॉब सीकर। जॉब गिवर का मतलब होता है या ऐसी सर्विस बना रहे हैं जो एट लार्ज प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप, राइट? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है स्टार्टअप की कि आप एम्प्लॉयमेंट जेनरेट कर पाए, राइट? जब आप अपना स्टार्टअप रजिस्टर करते हैं गवर्नमेंट के साथ, आपका आइडिया तो यूनिक होना ही चाहिए, साथ में वो सबसे पहली चीज क्या देखती है कि आपका स्टार्टअप एम्प्लॉयमेंट जेनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्योंकि इंडिया में क्या है, यूथ है बहुत सारी, जॉब्स हैं लिमिटेड, राइट? हर मल्टीनेशनल कंपनी या XYZ बैंक्स हो गए, कुछ भी हो गया, हर ये एम्प्लॉय नहीं कर सकते। जितना यूथ है हमारे यहाँ, सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती, राइट? तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप अपना एक यूनिक आइडिया लाओ, फंडिंग हम देंगे आपको। अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने आइडिया को, तो उस स्टार्टअप के लिए आपको फंडिंग मिल सकती है, राइट? नेशन ने एक काउंसिल बनाया या एक सेल बनाया जिसको बोलते हैं इनोवेशन सेल, ठीक है? और इसी के अंडर IIC आता है। IIC इज इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, राइट? मात्रा में वो फंड्स, जैसे कि मेरा जो स्टार्टअप है, ठीक है, उसके लिए मुझे 5 लाख फंड्स की जरूरत है।